कि हमारे हर अलमीन इदारे को ऐसे हो रहा है, बहुत से स्कूल्स डाउन हो गए थे, पूरे इदारे जितने भी अलमीन के हैं पूरे फिर धीरे धीरे स्टडी हो रहे हैं, पिकअप हो रहे हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 साल में पूरे इदारे भी प्रैक्टिकली हर लाइन से अच्छे रहेंगे, एडमिशन होंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, टीचर अच्छे रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, जो भी एसेंशियल है सब प्रोवाइड करेंगे। और उनकी तनख्वाह वगैरह देने के लिए डॉक्टर साहब बेंगलुरु से 2-व्हीलर में एक लैम्बरेटा थी आपकी, वो लैम्बरेटा में एक और सिरा के ही एक शख्सियत थे उस वक्त पर जो उनके सेक्रेटरी वगैरह थे, उन्होंने जो है बहुत ही बेदर्दी के साथ इन इदारों को देखा, इसकी तरक्की में जो है कोई काम नहीं किया तरक्की की तरफ, बल्कि इन इदारों को जो है पीछे ढकल दिया था। ये नई जो कमेटी आई है उमर इस्माइल खान की सदारत में, मैं समझता हूँ ये टीम जो है इन इदारों को फिर तरक्की के रास्ते पर डाली। कर्नाटक भर में मौजूद अलमीन तालीमी इदारों को दोबारा उरूज पर लाने, दोबारा तरक्की की राह पर ले जाने की कोशिशें शुरू। लिहाजा इसी कोशिश के तहत अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान और दीगर ने तारीखी शहर सिरा का दौरा किया। यहां मौजूद अलमीन मलिक रिहान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल का जायजा लिया। इस मौके पर रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर, शहरे सिरा की अहम शख्सियत आंजहानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ और दीगर कई अहबाब मौजूद थे। इन सब ने मिलकर अलमीन की इस कदीम हाई स्कूल में काफी वक्त गुजारा। यहाँ की मौजूदा इमारत, तालीमी मियार और तालिबात को हासिल सहूलियात का जायजा लिया। बानिये अलमीन तहरीक मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान की कायम करदा ये गर्ल्स हाई स्कूल एक वक्त काफी उरूज पर थी। डॉक्टर साहब बेंगलुरु से स्कूटर पर आकर इस इदारे की निगरानी किया करते थे। 1981 में इस हाई स्कूल की लाइब्रेरी और लेबोरेटरी हॉल की इमारत का इफ्तिताह उस वक्त के चीफ मिनिस्टर आर गुंडू राव ने किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हाई स्कूल का माजी कितना शानदार था, लेकिन अफसोस कि आज ये स्कूल खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। यहाँ की तरक्की थम सी गई है। एडेड स्कूल रहने के बावजूद 8th, 9th, 10th में 200 से भी कम लड़कियां तालीम पा रही हैं। देर आयद दुरुस्त आयद, अब इस कदीम हाई स्कूल को दोबारा तरक्की की राह पर ले जाने के लिए उमर इस्माइल खान, मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, सैयद अशरफ ने मिल बैठ कर गौर फिक्र किया। अल अमीन मलिक रिहान उर्दू हाई स्कूल का जायजा लेने के बाद इन तमाम अहबाब ने सिरा के मंजले पीर मकान में मौजूद अल अमीन यतीम खाना, जहां अब दीनी मदरसा कायम है, वहां का दौरा किया। इस इदारे के तहत अच्छी खासी जमीन मौजूद है, लेकिन तलबा की तादाद काफी कम है, खातिर ख्वाह फायदा नहीं हो पा रहा है। लिहाजा सिरा में मौजूद अल अमीन गर्ल्स हाई स्कूल और अल अमीन मदरसे रजाकुल उलूम को दोबारा तरक्की की राह पर ले जाने की फिक्र करते हुए उमर इस्माइल खान, उबैदुल्ला शरीफ, सैयद अशरफ और दीगर ने यहाँ की सूरत हाल का जायजा लिया। अब बस यही उम्मीद की जा रही है कि बानिये अलमीन तहरीक मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान के नक्शे कदम पर चलते हुए उमर इस्माइल खान और अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी की पूरी टीम सोसाइटी के तमाम तालीमी इदारों की हालत को बेहतर, मजबूत व मुस्तहकम बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। सिरा आप आए हैं, यहाँ पर आए हैं जी। सिरा की हाई स्कूल जो काफी मशहूर थी एक वक्त में जी, जूनियर कॉलेज तक पहुंच गई, तो कब कायम हुई सिरा की हाई स्कूल और इसकी क्या तारीख है? जी, तकरीबन 50 साल पहले अलमीन मलिक रेहान स्कूल कायम हुई 1973 में।
ये पहले जो है 8th, 9th, 10th अब चल रही है, पीयूसी भी शुरू करना था वो नहीं हो सका, अब इंशाल्लाह फिर जैसा उसको रिवाइव करने का है। तो हम आज सब लोग बेंगलोर से बड़ी टीम आई है, तो पहले इंशाल्लाह यूकेजी एलकेजी शुरू करेंगे और अल्लाह की मर्ज़ी हो तो धीरे धीरे पूरे क्लास फ्रॉम एलकेजी यूकेजी अप टू 10th स्टैंडर्ड वहाँ पे कायम करेंगे, ये हमारा इरादा है। एक वक्त था ये स्कूल उरूज पर थी, क्या वजह रही कि इतनी इसका डाउनफॉल या फिर एक पस्ती में आ गई? तो पहली बात तो उर्दू को लोग ज़रा बच्चों उर्दू स्कूल में हर जगह एडमिशन कम हो रहे हैं, बल्कि उर्दू स्कूल बंद भी हो जा रहे हैं। अब ये है उर्दू हाई स्कूल है 8th, 9th, 10th, इसीलिए बच्चों का एडमिशन कम है और जो स्टैंडर्ड भी है वो भी कम हो गया है। इंशाल्लाह हम सोच के जो एलकेजी यूकेजी शुरू करेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, इंग्लिश स्कूल शुरू करेंगे, इंग्लिश चलाते रहेंगे, उसके साथ उर्दू पढ़ाएंगे बच्चों को, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है और एडमिशन भी होंगे और बच्चों को फ़ायदा होगा। इनके दोबारा स्कूल को जो पहली हालत में थी वो दोबारा लाने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। हर जी हमारे हर अलमीन इदारे को ऐसे ही हो रहा है, बहुत से स्कूल्स डाउन हो गए थे, पूरे इदारे जितने भी अलमीन के हैं पूरे फिर धीरे धीरे स्टडी हो रहे हैं, पिकअप हो रहे हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 साल में पूरे इदारे भी प्रैक्टिकली हर लाइन से अच्छे रहेंगे, एडमिशन होंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, टीचर अच्छे रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, जो भी एसेंशियल है सब प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। सिरा के जो स्कूल है वो एडेड है जी, तो फिलवक्त यहाँ पर 8th, 9th, 10th की ही तालीम हो रही है जी, तो आइंदा के क्या मंसूबे हैं यहाँ पर? 8th तो जो हो गया, अब नया 8th तो बहुत मुश्किल है, इसलिए जो स्कूल चलेंगे इनिशियली जो है अलमीन एजुकेशन सोसाइटी बैंगलोर से हम सपोर्ट करेंगे यूकेजी एलकेजी वगैरह, और उसके बाद स्कूल्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, थोड़ा फीस लेके बच्चों को चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है कैसे लोग कम्युनिटी से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? तो कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेशन चाहिए, कम्युनिटी को अवेयरनेस आ गया है और खासकर बैंगलोर में हम देख रहे हैं गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाह रहा है और वो जो है अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, जैसे सेंट जोसेफ है, क्राइस्ट है, अच्छे ज़्यादा पैसे खर्चा करके बच्चों को लोन लेके पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम भी अच्छा स्टैंडर्ड रखें और हमें फैसिलिटीज अच्छे दें, नाम अच्छा रहे, तो बच्चे यहाँ भी आके पैसे दे के बच्चों को पढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब की क्या कोशिश रही आपके वालिद साहब की कि वो इतने दूर दराज इलाकों में पहुँच कर उन्होंने तालीमी इदारे कायम किए और एक बुलंद ख्याल एक बड़े विजन के साथ एक देखो अब उनकी जो बायोग्राफी लिखी ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं उसमें उनका पहला लाइन है अल्लाह विल एंड इट हैपेंड, है ना, अल्लाह की मर्जी तो हो गया, तो उन्होंने उसके जो भी हुआ वो अल्लाह की तरफ उनका यह है डायरेक्शन, अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया। तो हमको भी ताजुब हो रहा है कि जो इतने इदारे कैसा एक लाइफ टाइम में इतने इदारे एक आदमी कैसा कायम कर दिया, तो उनकी टीम नो डाउट थी, एक टीम एफर्ट था टीम के साथ है, लेकिन वो लीडर हुए थे, सब लोगों के साथ लेके काम किया, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत इदारे बन गए हैं और फिर वो इदारों को फिर से उरूज पे लाना है इंशाल्लाह, उरूज पर लाना है, इसके लिए कोशिशें भी होनी चाहिए और कम्युनिटी का सपोर्ट भी ज़रूरी है। कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत है, देखो नेक काम करे तो सब लोग साथ जम के आते हैं, और भी हर जगह से बड़े छोटे सब मिल के आ रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट हो रहा है। हम सारे इदारों में जब भी हम कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है हमारे दोस्तों को बोलते हैं, फ़ौरन कोई ना कोई कबूल लेता है, जैसे टेबल्स है, बस की ज़रूरत है, वाटर प्योरीफाइंग प्लांट की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर टेबल्स हमारे बोर्ड्स राइट इसके जो ग्रीन बोर्ड्स हैं कंप्यूटर्स ये सब चीज़ें हम लोगों को हमारे फ्रेंड्स को बताते हैं, सब लोग दे रहे हैं, और हर जो गवर्नमेंट का कोई काम है तो जो वो चीज़ में माहिर है वो काम करके दे रहा है, तो सब लोग साथ दे रहे हैं। हमको सबको साथ लेके चलना है, ईगो को ख़त्म करना है, अल्लाह की मर्ज़ी है कुछ भी, सब लोग जो भी सोशल वर्क कर रहे हैं ईगो ख़त्म करो, सबको साथ लेके चलो, हम पीछे रहेंगे लोग आगे रहेंगे तो कुछ नहीं होता, इदारे कायम हों चलते रहे तो बस है। सिरा के हाईस्कूल के लिए क्या ज़रूरत है? सिरा के हाईस्कूल के लिए अब हम जैसा देखें हमको पहले तो क्लासरूम्स बढ़ाने हैं, नए क्लासरूम बनाने हैं, और थोड़ा बिल्डिंग में लीकेज है उसलिए ऊपर एक फ्लोर बनाना है, मेटल फैब्रिकेशन करके फ्लोर बनाना है, और उनको जो है ग्रीन बोर्ड्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल काम का ज़रूरत है, ये सब काम करना है इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आज उबैदुल्लाह शरीफ साहब हों, सैयद अशरफ साहब हों जी, कई लोग यहाँ पर आए हैं, इन्होंने भी आपके साथ इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया है जी, तो आप क्या कहना चाहें? देखो माशाल्लाह बेंगलोर में दो स्कूल हम अलमीन डी जे हली स्कूल और अलमीन कम्बोल पोस्ट स्कूल, उबैदुल्लाह साहब इंटरेस्ट लेके बहुत जल्दी उनको तरक्की दी है, एक अच्छे पोजीशन पे आ गए हैं, तो यहाँ भी आए हैं देखे हैं, तो अलमीन के साथ जुड़ रहे हैं काम कर रहे हैं, और सोसाइटी अलमीन एजुकेशन से भी हमें काफ़ी हमें मदद कर रहे हैं
क्योंकि आदमी कर रहा है काम तो हमको भी पीछे से सपोर्ट करना है, हम सपोर्ट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म्स हो गए, बुक्स हो गए बच्चों के लिए, क्लासरूम्स अच्छे हो गए, ऐसा हो रहा है। इंशाल्लाह समझो एक साल या डेढ़ साल में ये तमाम इदारे और पर्टिकुलरली आज सिराक स्कूल जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो 40-50 साल पहले इदारे कायम हुए और तरक्की भी इन्होंने हासिल की, उरूज पर भी पहुंचे, लेकिन अब फिलवक्त की जो हालत है वो नाजुक है, कहीं ना कहीं जो है इसे बेहतरी लाने की जरूरत है। जी नाजुक है नहीं बोलता मैं, ऐसा है इदारे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, ऐसा नहीं। अगर इम्प्रूव करना है तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एक मियार लेना है, एक स्टैंडर्ड लाना है, तो ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना, ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। अब वो देंगे और इंशाल्लाह तो आपकी सरपरस्ती में काम होगा, अल्लाह की मर्जी है और मेरी टीम है, टीम एफर्ट है, सब लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, मेरे साथ दे रहे हैं, इसीलिए काम बढ़ रहा है ऐसा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा, आप भी जो है कभी भी पहुंच जाते हैं हमारे प्रोग्राम्स में और आपके जरिए से भी लोगों को मालूम होता है, ये भी एक बहुत अच्छी खिदमत है। शुक्रिया सर, बहुत अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। इदारे जो पूरे रियासत में, न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर रहे हैं, तो दोबारा इन्हें जो है तरक्की की राह पर लाने की कोशिशें हो रही हैं, तो बताइए सर कि आज यहाँ पर सिरा पर आप आए हैं, क्या मकसद लेकर आए? देखिए आलमीन एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान और दूसरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आलमीन एजुकेशन सोसाइटी के जो है कर्नाटक के तमाम आलमीन इदारों का एक दौरा कर रहे हैं। मकसद यही है कि जहाँ कहीं भी तरक्की के काम करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो ये सोच के जो है ये काम शुरू किए हैं, एक दौरा शुरू किए हैं। बेंगलोर के कई इदारों को जो है तरक्की के रास्ते पे डाले हैं, यहाँ आज सिरा आए हैं। सिरा की जो हाई स्कूल है, तकरीबन 160 बच्चियाँ वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं हाई स्कूल में, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए, और यहाँ जो ये जगह है यहाँ जहाँ मदरसा चल रहा है इसका भी मुआयना किया है, इंशाल्लाह यहाँ भी कुछ तालीमी इदारे कायम करने का आलमीन जो है सोच रही है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, इंशाल्लाह आलमीन के जितने भी इदारे कर्नाटक में है उसको जो है तरक्की के रास्ते पे लेकर आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी ज़मीनें हैं यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन जो क्लासेस होने चाहिए या फिर जो कोर्सेज होने चाहिए या फिर बच्चों की जो तादाद होनी चाहिए वो नहीं है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब कई साल जो है वो तबीयत ठीक नहीं थी, उनके बीमार थे, उस वक्त पर जो उनके सेक्रेटरी वगैरह थे उन्होंने जो है बहुत ही बेदर्दी के साथ इन इदारों को देखा, इसकी तरक्की में जो है कोई काम नहीं किया तरक्की की तरफ, बल्कि इन इदारों को जो है पीछे ढकल दिया था। ये नई जो कमेटी आई है उमर इस्माइल खान की सदारत में, मैं समझता हूँ ये टीम जो है इन इदारों को फिर तरक्की के रास्ते पर डालेगी। उमर इस्माइल खान साहब की सदारत में नई कमेटी आई है और उन्होंने काम भी शुरू किया है, तो अब कम्युनिटी की भी क्या जिम्मेदारी बनती है? कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है, कमेटी की भी जिम्मेदारी है, आलमीन एजुकेशन सोसाइटी जो है कम्युनिटी का साथ लेगी, और मैं समझता हूँ हमेशा से कम्युनिटी जो है कौम जो है आलमीन एजुकेशन सोसाइटी का साथ दी है और आइंदा भी साथ देगी। सिरा की आलमीन हाई स्कूल, इसकी क्या तारीख है? सिरा की आलमीन हाई स्कूल के बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां हैं। उन्होंने जब सिरा को तशरीफ लाए तो उन्होंने सारे शहर सिरा का दौरा किया और वो उसी वक्त भांप लिए कि इस मिट्टी में ज़रूर एक इल्म की शमे को रोशन करना है, तो लोगों के सामने जो सिरा के बड़े बड़े लोग थे उनको जमा किए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्यों ना सिर्फ मुसलमान लड़कियों के लिए एक मदरसा कायम किया जाए, तो सारे शहर के अमायदीन भी आपसे मुत्तफिक हुए, क्योंकि डॉक्टर साहब की ज़ात ही ऐसी थी कि जब वो कोई काम लेते तो पाए तकमील को पहुँचा कर छोड़ते, और उनके सामने ऐसी कई मिसालें थी हमारे सामने, इसलिए पूरा भरोसा किया और सारी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब के सर देकर कहा कि आप जैसा मुनासिब समझते हैं आप मदरसा कायम कीजिए। तो सबसे पहले वो मार्केट मोहल्ले में, मटन मार्केट रोड में एक खसाब इस्माइल साहब का एक घर था, वो किराए पर लिए और वहाँ पर स्कूल शुरू किया। स्कूल में इब्तदाई दौर में स्कूल की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी और बहुत से लोग ये उर्दू स्कूल के भेजना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो ज़माने में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना अच्छा और वहीं पर आगे पढ़ने से बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है, ऐसी सोच थी मुसलमानों की। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब
آہستہ آہستہ وقت بڑھتا گیا تو علم کی اہمیت معلوم ہوتی گئی, اور بچے جب علم حاصل کر کے ایس ایس سی پاس ہو کر جب اپنے اپنے گھروں میں پہنچے تو ان کی علمی قابلیت کو جانچنے لگے اور اس سے متاثر ہوئے والدین. تو ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ہم لوگ جب سیونتھ کا رزلٹ آتا تو اس میں تقریباً 15 لڑکیاں تھیں, 15 لڑکیاں سیونتھ میں پڑھ رہے تھے. تو وہ 15 لڑکیوں کے نام ہم نے ایچ ایم سے لیے سیونتھ اسٹینڈرڈ کے. تو وہ 15 گھروں کو ہم نے گئے اور وہاں پر جا کر کہے کہ آپ کی لڑکی سیونتھ پاس ہو گئی ہے, آپ برائے کرم 8th اسٹینڈرڈ کو المین ہائی اسکول میں داخلہ دلوا دیجیے. تو ایڈمیشن ہونے لگے اور اسکول آگے بڑھتی گئی ترقی رہا. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کیسا یہاں پر آیا کرتے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کرتے, اب اساتذہ کا تقرر ہوا, وہ یہاں پر جو شہر سرا میں جو گریجویٹ تھے ان کو تقرر کیا اور ان کی تنخواہ وغیرہ دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب بنگلور سے 2-wheeler میں, ایک لیمبریٹا تھی آپ کے, وہ لیمبریٹا میں ایک اور سرا کے ہی ایک شخصیت ہے, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, وہ ماننے والے قاسم صاحب کے فرزند, وہ لیب ٹیکنیشین کچھ تھے وکٹوریہ ہاسپٹل میں, ان کے ساتھ آتے اور اساتذہ کو تنخواہ وغیرہ دے کر ان کی ہمت افزائی کرتے. جب بھی وہ آتے وہ ایک جوش ان کے اساتذہ کے دلوں میں, ان کی روح میں پھونکتے اور جاتے تھے. اس طرح بڑی ہی تندہی کے ساتھ اساتذہ بھی خدمت کیے اور ہمارا تقرر جو ہے وہ مجھے 1978 میں, میں ہمارے محمد سمیع اللہ صاحب جو ٹباکو مرچنٹ ہی وہاں, اب یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کیوں نہ ایک مستقل بلڈنگ ہمارے اسکول کی ہو. تو اس کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا اور شاہ علی عباس درگاہ کے احاطے میں اسکول کی بنیاد ڈالے گئے اور بڑے بڑے لوگ شہر کے عمائدین ڈونرس, میں پتھر دوں گا, میں اینٹ دوں گا, میں بالو دوں گا, میں سیمنٹ دوں گا, یہ سب بھی وعدے کیے تھے لیکن کسی نے بھی وہ وعدہ وفائی نہیں کی. تو آخر میں حاجی صفدر حسین صاحب کے فرزند محمد سمیع اللہ ٹباکو مرچنٹ ہے, وہ ان کا ٹباکو کاروبار جب وہ زمانے میں بڑے عروج پر تھا, وہ سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے گاؤں والوں کے کسی سے بھی کوئی واسطہ نہیں, آپ وہ تعمیر اسکول کی تعمیر کا جو بیڑا ہے وہ میرے سر رکھ دیجئے, میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں گا اور میں اپنے صرف خاص سے اس کو تعمیر کروں گا. ویسے ہی انہوں نے ساری بلڈنگ اپنے صرف خاص سے انہوں نے تعمیر کی اور ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, اتنا وسیع دل ہر ایک کا نہیں ہو سکتا, اس لیے آپ یہ کیجئے کہ ہائی اسکول کے سیکرٹری آپ خود ہو جائیے. تو آپ وہ سیکرٹری بھی ہو گئے